सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत बर्दी ग्राम पंचायत में गोपद नदी में डूबने से हुई दो लोगों की मौत। लोगों द्वारा बताया गया कि रामकली नाम उम्र 45 एवं दिव्य उम्र 6 दोनों लोग सुबह 7:30 बजे गोपद नदी में नहाने गए थे। अचानक दिव्या नदी में डूबने लगी। उसकी नानी रामकली नाम उम्र 45 दिव्या को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी, लेकिन दिव्या को नहीं बचा सकी और खुद नदी में डूब गई, जिससे रामकली और दिव्या दोनों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने इन्हें नदी में डूबते देखा था, आकर परिजनों को घटना के बारे में बताया। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन एवं अभ्यारण्य की टीम को सूचना दी गई। तत्काल प्रशासन के लोग एवं अभ्यारण्य की टीम वहां मौजूद होकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों की लाश खोजने में कामयाब रहे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। मन में आप क्या कहेंगे, कैसे उनकी मौत हुई? सर, ये लोग हमारे घर के लोग थे, तीन लोग गए थे नदी नहाने। सुबह 7:30 बजे लोग गए थे, 8:15 बजे के लगभग घटना है। ये लोग कपड़ा धो रहे थे और अपने बच्चे गए थे मैदान, और मैदान से लौट के आए तुम पथरा के पास में पानी इतना था, पौली तक पानी था, उसी पानी में बच्ची नहा रही थी। अब पानी थोड़ा सा बहता पानी था, उस पर खड़ा टाइप था। बच्ची सरकते सरकते थोड़ा सा 10 कदम आगे दह था, तो उसी दह के पास पहुंची तो बच्ची धीरे धीरे तैराने लगी, नीचे की तरफ जाने लगी। इतने में उसके नानी का नज़र गई उस बच्ची पर। बच्ची बोली, नानी बचाओ, नानी बचाओ। बच्ची की पुकार सुनकर नानी दौड़ के गई और उसको बचाने के चक्कर में, उसको पकड़ने चक्कर में गई, बच्ची नीचे चली गई और नानी बच्ची का हाथ नहीं पाई। इतने में नानी भी डूबने लगी। तब तक फिर एक लड़की जो और थी वो पहुंची, वो पहुंची तो वो भी बचाने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ ली। जब ये देखी कि वो नहीं बचा पा रही है, वो भी डूबने लगी, एक दो घूंट पानी पी ली और इसके बाद वो उसका हाथ छोड़कर और बाहर निकली। बाहर निकली इसके बाद लोगों को आवाज़ लगाने लगी, तो जिससे वहाँ पर कोई लोग थे नहीं, वहाँ से घर लगभग 1/2 किलोमीटर दूर था, जिससे दौड़ के वो घर आई। और घर आई तो आवाज़ दी घर लोगों को, तो जिससे दो लोग दौड़ के गए वहाँ पर बचाने।